अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ईद गुजर चुकी है माशाल्लाह से, और हम अपने बर्थ के रूम में आ गए और दाना पानी भी करेंगे और थोड़ी सी सफाई है जो इनका ब्रीडिंग प्रोग्रेस है वो भी देखेंगे। और तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं वो देखी नहीं है, तो आज इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी देखेंगे और इनको दाना पानी भी डालेंगे और मेडिसिन भी डाल के इनको पानी में डाल के लेंगे। कितने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, ठीक है। तो आइए चले आए, देखते हैं हम ब्रीडिंग की प्रोग्रेस क्या है और दाना पानी और मेडिसिन भी डाल के इनको, ठीक है जी। मेडिसिन की भी जो आपको टिप है वो सारी शेयर करूँगा इंशाल्लाह से। जिन भाइयों के जो है अंडों में जान नहीं पड़ती या कोई और मसला है या डेड शेल हो रहा है, तो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा। तो इंशाल्लाह से आपका जो डेड शेल है और अंडों में जो जान नहीं चलती वो भी क्लियर होगी इंशाल्लाह से। और मैंने अपने 3-4 बर्ड पे ऐसे ही रमाया, लव बर्ड पे, फेलिन पे, सेंच पे और कबूतरों पे भी रमाया, वो भी नुस्खा वही रमाया, ठीक है जी। और मुर्गियों पर भी वही रमाया कि उनके एग में ना जान नहीं लगी थी, तो वही मेडिसिन मैंने दी और शुक्र अल्लाह का कि उनमें भी जान लग रही है, ठीक है जी। तो चले आए आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है जी, चले आए। ये देखिए माशाल्लाह से ये 2 चिक्स हैं, लेकिन हो गए। और इधर से उठा लिए थे, इधर से जो एक बाकी बचा था वो उठा लिया, वो हैंड फील पर उठा लिया मैंने, तो वो अभी नीचे इंक्यूबेटर में रखा हुआ है माशाल्लाह से, ठीक ठाक है। और ये देखिए माशाल्लाह से 2 चिक्स हैं और इधर है, बहुत अच्छी माशाल्लाह से 3 चिक्स इधर हैं। और दाना पानी जो मेडिसिन है वो अभी आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है जी। और वीडियो पूरी देखें क्योंकि कोई भी बात है, कोई भी टिप्स है वो आपसे शेयर होती है, ठीक है जी। आप वीडियो अगर पूरी नहीं देखेंगे तो आपके साथ वो जो उनसे भी टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर नहीं होंगे। तो अभी भी आपसे मैं शेयर करता हूँ कि कौन सी मेडिसिन में डालता हूँ, कौन कितनी डालता हूँ, कितनी क्वान्टिटी में डालता हूँ और कैसे डालते हैं, ठीक है जी, चले आए। ये देखें जी, ये वाली मेडिसिन है जिन भाइयों के ना अंडों में जान नहीं लगी वो ये 2-3 मरतबा इस्तेमाल करें इंशाल्लाह से। ये जो है मेडिसिन, 2 और मेडिसिन है वो भी आपको दिखाऊंगा, वो तीनों चीज़ें आप इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह जो आपके जो अंडों में जान है वो डलेगी। और ये 1.5 लीटर पानी में 1.5 cc डालनी है, ठीक है जी, 1 लीटर पानी में 1 cc। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से इसमें मेडिसिन डाली है अभी हल करके। अभी जो सभी परिंदे हैं उनके जो बर्तन हैं उनमें डालेंगे, ठीक है जी। ये देखें हल कर ली है और जितना जितना जिसको चाहिए वो उसमें उतना उतना डालें कि तकरीबन 2-3 घंटे में ये ख़त्म हो जाए। और गर्मी है, सादा पानी बाद में सादा पानी डाल दें, ठीक है जी। ज़्यादा ये अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है तो ज़्यादा ये अच्छी बात नहीं कि ज़्यादा देर ये मेडिसिन चले, ठीक है जी। तो आप इनको जो है तकरीबन 2-3 घंटे बाद इस चीज़ का पानी जो है चेंज कर देना। और मैं तो ऐसे ही करता हूँ, शुक्र है अल्लाह का मेरे पास तो बहुत अच्छी जो है ब्रीड आ रही है, कोई मसला नहीं, शुक्र है अल्लाह का। तो चले आए जी, आपको तेलुगु की जो ब्रीड है वो भी दिखाता हूँ और इनको पानी डाल के फिर आपसे मिलते हैं। और जिन दोस्तों के पास ये मसला आ रहा है कि हमारे एग में जान नहीं डल रही या अंडे में जान नहीं डल रही, किसी भी परिंदे के एग में जान नहीं डल रही है, तो ये 2-3 दिन दवाई चलाए माशाल्लाह से, ये ना बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये दोस्त कोई भी इस्तेमाल करना चाहे तो मुझसे रब्ता कर ले या फिर इस्तेमाल खुद ही कर ले, ठीक है जी। तो अल्लाह की रहमत है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और मेरे जो सभी जो परिंदे हैं किसी में ऐसा नहीं हुआ कि किसी में जान नहीं डली या कोई ख़राब हुआ हो, तो शुक्र है अल्लाह का कि
100 में से तकरीबन 95% मेरा जो है ना मेरे अंडों में जान डली है, सभी तोतों के जो है सभी, ये ऑस्ट्रेलियन, ये फ्रेंच, ये लवबर्ड, और कबूतरों के जो है ना, कबूतरों का थोड़ा सा मसला हुआ था तो उनको भी मैंने डाली, तो शुक्र है लगा कि वो ना ज़बरदस्त हुआ और उनके अंडों में भी जान पड़ने लग गई। और जो हमारी मुर्गी हैं ये देखें इनको भी थोड़ा सा इशू था, तो इनको भी दो तीन मरतबा ये वैक्सीन डाली, तो शुक्र है लगा अभी ये ना बिल्कुल फिट है और ज़बरदस्त है। ठीक है जी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी, अगर कोई बात गलत है तो भी कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताना। ठीक है जी, आप दोस्तों की सपोर्ट के साथ ही हम आगे जाएंगे, तो शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।